हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरतासर और आप देख रहे हैं सरतासर की क्लास। भाई 2018 अब खत्म होने वाला है, लेकिन इस 2018 में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए रहे। कुछ तो ऐसे शब्द थे जो दिखते कुछ और थे लेकिन उनकी मीनिंग कुछ और होती थी। अब इस वीडियो में मैं आज आपके लिए ऐसे ही 10 कमाल के फ्रेजेस लेकर आया हूं। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इन फ्रेजेस को अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, पुट्टा जो भी है उसमें नोट कर लेना। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो की और सीखते हैं 10 जहर फ्रेजेस। हमारा पहला फ्रेज है गोल्ड डिगर। अब इस शब्द को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सोना खोदने वाला, गोल्ड माने सोना, डिगर माने खोदने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी के पैसे को देखकर उससे शादी कर ले, उसे अंग्रेजी में गोल्ड डिगर कहते हैं। यह 2018 में पूरे सोशल मीडिया पर छाया रहा, लेकिन सोशल मीडिया के अनुसार गोल्ड डिगर शब्द सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी कोई औरत जो आदमी का पैसा देखकर उससे शादी कर ले उस महिला को गोल्ड डिगर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो कल को कोई आपको ऐसा इंसान दिख जाए, आदमी या औरत, कि जिसने किसी का पैसा देखकर उससे लालच में उससे शादी करी हो, तो आप अगर उससे कहना चाहते हैं कि तू वही लालची है, लालच से शादी करी, तो अंग्रेजी में कह सकते हैं यू आर ए गोल्ड डिगर। नेक्स्ट वर्ड है टेक डाउन। अब टेक की हिंदी होती है लेना, डाउन का मतलब नीचे। बड़ी अश्लील सी मीनिंग बैठ रही है इसकी तो, लेकिन डोंट वरी, इसका इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका असली मतलब है लिखना। जी हां, बिल्कुल, जैसे राइट का मतलब लिखना होता है, ऐसे टेक डाउन का मतलब भी लिखना होता है। 2018 में बहुत सारे राइटर्स ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है और अखबारों की सुर्खियों में भी यह शब्द अंग्रेजी अखबार में देखा गया है। अब यह एक फ्रेज है। वैसे राइट का मतलब लिखना होता है, वो एक वर्ब है, लेकिन वर्ब का इस्तेमाल बहुत कमजोर इंग्लिश वाले करते हैं। अगर जरा हायर इंग्लिश बोलनी है ना, डॉक्टर वाली, तो यही बोलना पड़ेगा फ्रेज वाली इंग्लिश में। तो जैसे मुझे कहना है मैं एक किताब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ बुक मत बोलना, आई एम टेकिंग डाउन अ बुक। अब टेक डाउन की जगह टेकिंग डाउन इसलिए हो गया क्योंकि आईएनजी लगाना पड़ा कंटीन्यूअस टेंस से। तो आगे से याद रखना टेक डाउन का मतलब है लिखना। अगला वर्ड है टेक ओवर, और टेक ओवर की हिंदी होती है राज करना या फिर कब्जो करनो। अब राज करना और कब्जा करना, ये दोनों इसकी मीनिंग है। जैसे मुझे कहना है चोरों ने, मेरा मतलब अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अब यहां पे राज करने के लिए टेक ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजों ने ब्रिटिशियर्स राज किया, टुक ओवर। अब मैं टेक ओवर की जगह टुक ओवर यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ब्रिटिशियर्स टुक ओवर इंडिया फॉर 200 ईयर्स, यानी 200 साल तक राज किया। तो टेक ओवर कब्जा करना या राज करना। भैया अगला है ब्रिंग अप, और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। अब वो वाला पालना नहीं जिसमें बच्चे को झुलाते हैं, मतलब पालन पोषण करना, पालकर बड़ा करना, इसकी हिंदी ये होती है। जैसे मैंने कहा मां बच्चों को पालती है, तो यहां पे बोलेंगे मदर ब्रिंग्स अप चिल्ड्रेन। अब यहां पे ब्रिंग में एस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से ता है ती वाला, और मां सिंगुलर पर्सन यहां पर इस्तेमाल हुआ है, तो मदर ब्रिंग्स अप चिल्ड्रेन। अब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड भी ब्रॉट होती है, आईएनजी लगा दोगे तो एक तो ऑलरेडी लगी हुई है, ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो अलग अलग टेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज को तलाशने के लिए अंग्रेजी में यानी वर्बल इंग्लिश में सर्च या डिस्कवर लगाते हैं, लेकिन भाई फ्रेजल इंग्लिश में यानी हायर इंग्लिश में, थोड़े ऊंचे लेवल वाली इंग्लिश में तलाशने को बोलते हैं लुक फॉर। अब लुक माने देखना, फॉर माने के लिए, लेकिन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा तलाशना। जैसे मैंने कहा मैं नौकरी तलाश रहा हूं, तो मैं के लिए आए, हूं के लिए एम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहां पर आईएनजी लगाना पड़ गया क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस था, और आगे एक नौकरी या खाली नौकरी, अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो लुक फॉर माने याद रखना, लिख लो कैसे खाली बैठे हो, तलाशना। वैसे तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, लेकिन इसी में अगर एट लगा दो, फ्लाई एट, तो भाई इसका मतलब हो जाता है झपट्टा मारना। कई बार ये शब्द आपने हिंदी में इस्तेमाल किया होगा, जैसे मैंने कहना है कि बिल्ली ने चूहे पर झपट्टा मारा, तो चलो बनाते हैं कैट फ्लू एट द रैट। अब ऊपर फ्लाई एट लिखा हुआ, झपट्टा मारना, नीचे फ्लू एट क्यों हो गया, क्योंकि भाई टेंस से मारा, आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहां पे याद रखना फ्लाई एट माने झपट्टा मारना, बिल्ली ने चूहे पर झपट्टा मारा, कैट फ्लू एट द रैट। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाइट एलिफेंट। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी हिंदी होगी सफेद हाथी। वैसे पहले मेरे दोस्त मुझे व्हाइट एलिफेंट ही कहते थे, अब मेरे गोरेपन की वजह से और मेरा पेट थोड़ा बाहर था, अब तो मैं जिम विम जाने लगा हूं, थोड़े से एब्स वेब्स बना लिए हैं। पर काली है, पूरा मोहल्ला तो तुझे
ब्लैक एलिफेंट बोलता है। अरे रहन दो, पूरे पूरे डब्बे खर्च करें, फेयर एंड लवली के अपने ऊपर दिख नहीं रही, गोरा रंग कितना हो रहा है, छोड़ो। तो व्हाइट एलिफेंट का असली मतलब होता है खर्चीली वस्तु, यानी जिस चीज से बहुत ज्यादा खर्चा हो, आपका पैसे खर्च हो, उसे अंग्रेजी में व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। अब मान लो आप घर में एप्पल आईफोन एक्स ले आए, बड़े खुश हो रहे हो, नाच रहे हो उसे देख के, बाद में पता चला इसमें तो रिंगटोन लगाने के भी पैसे, ऐप डाउनलोड करने के भी पैसे, गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलने के भी डिपॉजिट करने को कह रहा है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो अरे ये तो बहुत खर्चीली वस्तु है, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे अरे दिस इज अ व्हाइट एलिफेंट। वैसे तो आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन अगर इसी के बाद फोर लगा दिया जाए, यानी आस्क फोर, तो भाई इसका मतलब हो जाता है मांगना, भीख मांगना नहीं, कोई चीज मांगना। अब जैसे मुझे कहना है वह मोबाइल मांग रहा है, सॉरी मांग रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ही इज आस्किंग फॉर अ मोबाइल। यहां पर आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस था, अगर पास्ट या परफेक्ट परफेक्ट होता तो भाई आस्क्ड लिखना पड़ता ईडी लगा के, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते, तो वह मोबाइल मांग रहा है, he is asking for a mobile। हम सब जानते हैं कि कम का मतलब होता है आना, लेकिन अगर इसी में buy जोड़ दो, यानी कम buy, तो इसका मतलब होता है हाथ लगना। अमेरिका की संसद में अमेरिकी नेताओं ने इस 2018 में इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था और ये काफी पॉपुलर हुआ था, इसका हैशटैग भी बन गया था। तो कम buy मतलब होता है हाथ लगना, जैसे मैंने कहा चोर के हाथ खजाना लगा, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं द थीफ यानी चोर केम बाय ट्रेजर। अब कम बाय की जगह केम बाय इसलिए लिखा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कम की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ गई, तो कम बाय मतलब हाथ लगना। और हमारा आखिरी शब्द है बियर डाउन, इसका मतलब होता है कुचल देना। अब जैसे मुझे कहना है ट्रक उसे कुचल सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ट्रक कैन बियर डाउन हिम, हिम मतलब उसे, लड़का है तो लड़की है तो हर, तो कुचलने के लिए याद रखेंगे बियर डाउन फ्रेज का ही इस्तेमाल करना है। तो भाई ये थे 2018 के मोस्ट वांटेड 10 वर्ड्स जिनका इस्तेमाल इस साल बहुत ज्यादा किया गया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगले पार्ट में यानी पार्ट टू में मैं आपके लिए 10 ऐसे शब्द लेकर आऊंगा जो इस साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किए गए हैं और ये नए शब्द होंगे बिल्कुल। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कोई सवाल या सुझाव है वो भी बता देना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां भी कुछ काम काम की चीजें डालता हूं मैं। और आगे बढ़ने से पहले भाई इस वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे और एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक छोड़ के जाना।